देखिए ये क्या है, देखिए देखिए मतलब हम लोग के घर में ना हमेशा ऐसे ही हुड़दंग मचा रहता है। देखिए ये देखिए हमेशा ये लोग का ऐसे ही चलते रहता है, देख लीजिए मतलब ऐसे कौन। अरे कैसे कर रहे हो तुम लोग, जा एक बड़ा गिफ्ट ऑन अंकिता को। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंजल रचना फ्रॉम बिहार। तो आप लोग कैसे हैं? ऑफ कोर्स अच्छे ही होंगे और भगवान करे आप लोग अच्छे ही रहिए। तो आप मेरे फर्स्ट ब्लॉग देखे थे, अंकिता के लिए सरप्राइज था और दूसरा है अंकिता का बर्थडे पार्टी। तो ऐसे कुछ खास तो नहीं हम करने वाले हैं और देखिए खास है कि नहीं है वो तो देखने के बाद ही पता चलेगा आपको। तो आप लोग प्लीज मेरे ब्लॉग के अंत तक के जुड़े रहिएगा और अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। और गलती से अगर मेरे चैनल पे आ गए हो तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब नाउ, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दीजिए बस, और मेरे ब्लॉग के साथ अंत तक के जुड़े रहिएगा। एक लाइक एक कमेंट प्लीज इतना कर दीजिएगा, है कि नहीं? तो अंकिता का आज बर्थडे है तो बर्थडे पार्टी देखते हैं क्या होता है। तो हम जा रहे हैं अंकिता के लिए केक लाने के लिए, ठीक है चलिए मेरे साथ आप भी, और आप मेरे ब्लॉग के साथ जुड़ रहिएगा। चलते हैं केक लेकर के आते हैं अंकिता के लिए सरप्राइज। चलिए हम लोग केक के दुकान पे आ गए हैं, अब देखते हैं कौन सा केक लेना है कि नहीं। तो रात हो गई है, रात नहीं हुई है, शाम अभी तक हुई है, और देखते हैं केक कौन सा पसंद आता है, सरप्राइज है ना। चलिए आपको भी घर पे ही दिखाएंगे, केक ले लिए हैं, पैकिंग हो रहा है, आप लोग के घर पे दिखाएंगे सरप्राइज। चलते हैं, केक पैक हो गया है, चलते हैं घर, है ना। बारिश बहुत हुई है। अंकिता बैठी क्यों हो, शाम हो गया है, शाम क्या रात हो गई है, तैयार नहीं होना तुमको? अभी तक केक भी नहीं आया है, ना कपड़ा है मेरे पास न्यू वाला पहनने के लिए, जो था वो कल पहन लिए, रक्षाबंधन था। अच्छा मतलब कि कपड़ा के प्रॉब्लम, अच्छा केक का छोड़ो ना, केक तो आ ही जाएगा ना। अभी कोई मार्केट भी नहीं खुला हुआ जाके कपड़ा ले आएंगे, लेंगे भी नहीं क्योंकि रक्षाबंधन में न्यू लिए ही थे। अच्छा तुमको गिफ्ट जो आज मिला, गिफ्ट खोल के कम से कम देखी उसमें है क्या? नहीं, एक बार खोलो उसके बाद देखो उसमें है क्या, कहीं तुम्हारे काम का कोई चीज हो जिसे देख देख कर तुम खुश हो जाओ। देखो खोल करके, कहीं तुम्हारे काम का कुछ मिले। इसमें से उसको क्या मिलेगा, हेल्प जो कर रही है? अच्छा हेल्प जो कर रही है उसको क्या मिलने वाला है? बापरे बापरे कैसे लूट पटा के मार। अरे लो इधर अरे लिपस्टिक है, बाप रो जो जो खोला वो उसका। अरे कैसे कैसे लूट मत। अरे मेरे को भी कुछ दो, एक लिपस्टिक भी लाया। वो क्या है? क्या है? अरे परफ्यूम। अभी गर्मी का समय है ना तो परफ्यूम, ड्रेस तो क्या ये आप ले रहे, इयररिंग भी, और क्या है लिपस्टिक परफ्यूम, मतलब पूरा मेकअप का हमको सामान मिला है। अब तो खुश हो ना, देखा देखा परफ्यूम, डिजाइनर लेडीज बना भी लेडीज कहीं। और अब खुश हो बहुत बहुत, तो फटाफट से ये सारा ड्रेस पहनो, जितना तुमको मिला है वो सारा पहनो। देखो ये तो तुम्हारे ही काम का दिए हैं, हाँ 24 घंटा इसके कान में तुम डाली रहती हो ना, तो पढ़ाई में काम आता है इसीलिए। देखिए तुम फटाफट से ये सारा पहनो, एक गिफ्ट मेरे पास है तो ढूंढने दिखा दो, तैयार जा मैं दिखाऊं। ये अच्छा अंजलि पता है कपड़ा चोरी के लिए खरीदी थी गई। नहीं 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 पता है
ये लिपस्टिक जो है आज कितना मेहनत करवाया। अंजलि तुमको कुछ भी नहीं पता है, तुम सारा मिस कर गई। मैं वीडियो देखी हूँ। अरे तुम देखती ना हकीकत सामने से तो तुमको समझ आता है कि क्या कहता है वो कहावत नहीं है, खोदा पहाड़ निकली चूहिया। वही तो, वही आज हुआ है, खोदा नहीं है, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। वही तो, चलो फटाफट से जल्दी से तैयार हो जाओ, सारा कपड़ा पहन करके रेडी। अंकिता खुश हो गई है। हम एक दिन से तैयार हो करके बैठे हैं और अंकिता गई है तैयार होने के लिए। पता नहीं आप कितना देर लगाने वाली है। देखिए बैलून भी नाच कर रहा है। आज है अंकिता का बर्थडे, ट्रिन ट्रिन, आज है अंकिता का बर्थडे। देखिए बैलून भी गाना गा रहा है, वाह बैलून वाह बैलून वाह बैलून, डांस कर रहा है बैलून। उड़ी उड़ी जाए, उड़ी उड़ी जाए, दिल के पतंग देखो उड़ी उड़ी जाए। दिल के पतंग तो नहीं है बट हाँ ये बैलून है, देखिए कितना अच्छा उड़ रहा है। उड़ी उड़ी जाए, उड़ी उड़ी जाए, दिल के पतंग देखो उड़ी उड़ी जाए। नदिया के बीच जैसे नैया डोले, उसे ही बर्थडे का बैलून डोले है। देखिए ना सच में बर्थडे का बैलून देखिए ना अपने आप में लहरा रहा है, बलखा रहा है, वाह है ना। जब से अली ससुराल खाली घटते बानी दाल, हो जब से अली ससुराल खाली घटते बानी दाल, चूल्हा चौका में तू रात दिन खटैला। इस हमर फूलल फूलल हाय, हमर फूलल फूलल गाल पचकैला। ई जवानी रजू माटी में मिलैला, हमर फूलल फूलल गाल पचकैला। ई जवानी रजू माटी में मिलैला। अंकिता तैयार हो गई है, देखिए देखिए अंकिता खुश हो बहुत। और बताओ फ्रेंड्स को क्या क्या मिला है तुमको? ये डेनिम जीन्स इयररिंग परफ्यूम भी मिला है। अच्छा परफ्यूम लगाई हो? हाँ। अच्छा तो ये सब मिला है अंकिता को गिफ्ट में, वो मेरे तरफ से था और यही पहन करके ये केक काटने वाली है। तो अंकिता रेडी हो गई है, गेस्ट आ चुके हैं मेरे घर में और सबको आपसे मिलवाते हैं, है ना। तो गेस्ट आइए अंदर। हैप्पी बर्थडे, थैंक यू। ओ नो, आओ इधर आइए। थैंक यू। तुम्हारा नाम? हैप्पी बर्थडे, थैंक यू। ओ नो, अरे तुम अपना नाम बोलो ना। आप और कोई गेस्ट है ना? हाँ। हैप्पी बर्थडे और सबसे बड़ा गिफ्ट। हैप्पी बर्थडे। ओ नो, सबसे बड़ा गिफ्ट लेकर क्या आई है? क्या लेके आई थी? अरे बाप रे, इसको इतना गिफ्ट मिला है, आप लोग को कभी मिलता है इतना गिफ्ट? आप लोग को कभी मिला है? देखिए कितना गिफ्ट मिला, देखिए ये केक है और ये अंकिता है और यही केक हम लाए हैं। अच्छा है ना, आपको भी खिलाएंगे। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you। अंजलि कुछ बोलना चाहती है अंकिता के बारे में, तो अंजलि तुम कुछ बोलो। आज ही के दिन 20 साल पहले हमारे घर में एक छोटे आतंक ने जन्म लिया, छोटा ही है लेकिन फूटता रहता है बीच बीच में। कुछ बोलना चाहिए कुछ दिखाई हमें उंगली, बहुत लंबा था उंगली। हाँ, लग रहा है अरे कंगारू पार्टी। सुमित तो पकड़ी हाँ, तो केक कटिंग तो हो गया। देखिए खा रही है भूख कर सब।
अरे ये मुझे पे क्यों खा रही है अंजलि? अरे अंजलि मुझे क्यों झापी है तू? खाते खाते परेशान है। मैं बोल रहा मेकअप भी बाप रे बाप। एक प्लेट केक ले लिए क्या? वही बात ये है कि डाइटिंग पे कम खाते हैं। फिर छीना झपटी मतलब इस वक्त जब देखो यही सब करती रहती है। शेयरिंग इज केयरिंग। अच्छा शेयर करो भाई लो। आज दो इसमें छूटा है दो घर में खा रहा है नाच होगा नाच होगा नाच होगा नाच होगा। अरे तू को छुट्टी गया था छोटू हाय फ्रेंड्स छोटू बोल छटकू हाय फ्रेंड्स हाय फ्रेंड्स हाय फ्रेंड्स कैसे हो आप कैसे हो के खाओगे? अरे सबसे मेन तो हम आप लोग को तो केक खिलाना भूल ही गए अंकिता। ये गलत बात है ना? ये तो झूठा हो गया मेरे तरफ से भी। ये भी झूठा हो गया इसकी बात काम दूजा। ये गलत है ना? आप लोग को केक नहीं खिलाए कोई नहीं। चलिए हम खिलाते हैं आपको केक। तो अंकिता आप लोग को केक नहीं खिलाई है ये गलत बात है। कोई नहीं हम खिलाते हैं। चलिए आप लोग केक खाइए ऑल फ्रेंड्स केक खाइए आप लोग जहाँ पे हैं वहीं पर से खा लीजिए। ओ नो मैं तो भूल ही गई थी आप कैसे केक खाओगे। चलिए कोई बात नहीं आपके बदले में मैं ही केक खाती हूँ। आप समझिएगा कि आप भी खा लिए फिर मैं बताऊँगी कि केक का स्वाद कैसा है। फिर आप भी कहीं कह दीजिएगा कमेंट में। अच्छा केक है भाई। नाइस कोई नहीं हम खा रहे हैं ना। आपको मेरे चेहरे पे जो स्माइल है ना खा करके खुशी उसे पता हो गया होगा कि केक में कैसा स्वाद है। आप केक अच्छा है कि नहीं? अब पार्टी थोड़ा होगा। हाँ तो एक चीज़ भी खिलाना भूल गए थे इसे कैसे हम भूल सकते हैं। वो केक तो खिला दिए और समोसा कौन खिलाएगा? ये गलत बात है ना? ओह नो चलिए तो छोड़िए थोड़ा मीठा खाने भले नमकीन खा लिए। अब देखिए बाल बाल सब का उजड़ गया है। वो थोड़ा डांस वेंस हुआ है वो हवा में और एकदम तूफानी पंखा में। तो अच्छा वो सब छोड़िए वो देखिएगा वीडियो तो समझ जाइएगा। जैसे आप लोग को हम बताए थे ना कि अंकिता सारा गिफ्ट जो है सो ढूंढ लेगी या उसके बाद केक कटिंग हो जाएगा तो फिर हम लास्ट में अंकिता को एक सरप्राइज अपने तरफ से देने वाले हैं। बड़ा सरप्राइज है और ये मेरे तरफ से है अंकिता के लिए। तो अंकिता ये मेरे तरफ से तुमको बर्थडे गिफ्ट है। वैसे बर्थडे गिफ्ट मेरा मिल चुका है फिर भी लास्ट में मेरे तरफ से ये है। तो चलो थैंक यू खोल के दिखाओ सबको। बचा के रखना है खोल के दिखाओ। फोन ओप्पो का रेनो 4 मिला हुआ है। ओप्पो रेनो ओप्पो मेरे तरफ से बड़ा वाला गिफ्ट है अंकिता के लिए। बहुत ज़्यादा मजाक हुआ है मेरे साथ डमी मिला है हमको। हम भी यही सोच रहे थे लगातार फोन क्यों मिल रहा है हमको। ये ओप्पो के फोन ओप्पो के कवर पे हमको ठगा गया है रख के। कैसा है फ्रेंड देखिए तो डमी है देखिए तो अच्छा है कि नहीं है। ये खेलने के काम आ सकता है। अच्छा है ना मेरी तरफ से अंकिता के लिए सबसे बड़ा वाला गिफ्ट है। ओप्पो कंपनी का डमी है क्या? थैंक यू आप लोग मेरे ब्लॉग के साथ जुड़े रहे और अंकिता का बर्थडे हो गया है तो आप लोग अंकिता को एक विश कर दीजिए हैप्पी बर्थडे है कि नहीं। तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू।